तो भाई लोग, आज हम फिर से GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड नहीं खेलने वाले, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं सिटीज स्काईलाइन। अब तुम कहोगे कि भाई अच्छा खास तो चल रहा था सब, है ना, तो एकदम से गेम चेंज क्यों? GTA 5 इतना भी अच्छा नहीं कर रहा जितना मैंने उससे आशा करी थी, तो इसलिए अब क्या यार सिटीज स्काईलाइन ट्राई कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा ट्रेंड भी चल रहा है। मुझे काफ़ी लेट पता लगा ट्रेंड का, जब अच्छे से चल चुला के अभी शायद ख़त्म भी होने वाला है। मैं जंगल में रहता हूँ यार, अभी भी दो चार भाई लोग मेरे बाहर खड़े हैं, वो ऐसा जिंगल आला करके डांस कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ वीडियो बनाने आ गया अंदर, क्या कर सकते हैं। खैर भाई, दे रहा है दोस्त है, पर ट्रेंड पे हम आ चुके हैं। देखते हैं भाई तुम कैसा सपोर्ट, प्यार, रेस्पेक्ट, इज्जत जो भी देते हो कैसा देते हो इस गेम को, है ना। तो अगर तुम्हें पसंद आए वाला गेम वीडियो, तो पता है क्या करना है ना, बताता हूँ हर बार, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से नहीं कहते, तो जो कहते हैं वो थैंक यू, और जो नहीं कहते कर दिया करो यार, ठीक है, पैसे नहीं लगते लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के, और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ठीक है भाई लोग, तो हम आ चुके हैं एक जगह पे, यहाँ पे हमें छोड़ दिया गया है एक बस्ती बनाने के लिए, ठीक है, ठेकेदार हैं हम भाई, कॉलोनी बनानी है हमें, है ना। और ये गेम जो है ये मैंने पहले से खेल भी रखा है, मुझे लगता तो है कि मैं कुछ बहुत बढ़िया कर लूँगा, लेकिन अब मैंने बता दिया तुम्हें, अगर मैं नहीं कर पाया तो भाई तुम गाली बकोगे कि कैसा घटिया गेमर है, मतलब कुछ कर भी नहीं पाया, है ना, तो अब करना पड़ेगा कुछ अच्छा, है ना। और ये गेम तो भाई पड़ा भी था मेरे पास, ये एपिक पे भाई सेल में आ चुका दो बार, ठीक है, तो मैंने पहली बार भी ले लिया था इसे, फिर भी मैंने इसे नहीं खेला ट्रेंड चलते हुए, पता ही लगा मुझे ट्रेंड का कि ट्रेंड भी चल रहा है। खैर कोई नहीं भाई, अभी खेलते हैं। तो हमने ऐसा प्लस करके एक रोड बना दी है, ठीक है, तो मेरा क्या प्लान है कि इस साइड पर मैं बनाऊंगा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, है ना, और क्योंकि भाई फैक्ट्री सारी रहेंगी, तो मतलब ट्रक व्रक किसी को डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें, तो इधर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा, बीच में कमर्शियल जोन रहेगी, भाई इंडस्ट्री किसी को भी सामान वामान लेना हो इस इलाके में आ जाओ, ये रहेगा पूरा रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया के बीच बाच में इधर की साइड में पूरी कमर्शियल जोन रहेगी, सड़क के मेन सड़क के दोनों साइड, जिससे कि जहाँ से ज़्यादा लोग उन दुकानों पर आ सकें, ठीक है। तो मैं अभी इतनी सी रोड बनाने वाला हूँ, इतनी रोड इधर, थोड़ी सी अंदर को निकाल दी, वैसे मुझे अंदर की तरफ नहीं बढ़ानी चाहिए थी रोड, मैंने भी मतलब पैसे पर बात करी, लेकिन कोई नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, हो सकता है भविष्य में काम आ जाए अगर हमारे पास पैसे बचे तो, ठीक है भाई। अभी हमने पावर लाइन भी गे दी, यहाँ पे हमने कोल पावर प्लांट लगाया है एकदम रेजिडेंशियल इलाके भी गई पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम कूने से जो पावर प्लांट है वो बिजली बनाता है कोल पावर प्लांट, और यहाँ पे पूरे रेजिडेंशियल एरिया में इधर से लाइन आ जाएगी और यहाँ तक चली जाएगी, और क्या कहते हैं ये जो बीच सड़क के बीच का इलाका है ये हमने पावर सप्लाई के लिए रखा है, ये देखो जैसे एक दो गली गई है, एक इधर एक इधर, ऐसे हम पूरे में यहाँ पे ऐसे यहाँ तक गलियाँ ही गलियाँ बनाने वाले हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उन सब गलियों में यहाँ ये जो बीच में पावर लाइन गिर रखी है इससे सप्लाई चली जाए करेगी, ठीक है भाई। तो हमने वाटर पंपिंग स्टेशन और ड्रेन का स्टेशन लगा दिया है, तो यहाँ लगाया हमने वाटर पंपिंग स्टेशन, यहाँ पे हमने पंपिंग स्टेशन इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये जो है ना नदी के पास है, और नदी जो है इस तरह से बह रही है, इधर से पानी इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम वाटर पंप करेंगे तो क्या है यहाँ से मतलब फ्रेश वाटर आएगा और यहाँ से गंदा पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर हम उल्टा करते इसे गंदे पानी वाले को जो ड्रेन है इसे इधर लगा देते और पंपिंग स्टेशन को इधर लगा देते, तो क्या होता जो गंदा पानी होता वो बाहर निकलता शहर के, और नदी के थ्रू इस साइड होते होते इस पंपिंग स्टेशन पे आ गए, पंपिंग स्टेशन से वापस शहर के अंदर चला गया गंदा पानी, तो क्या है शहर में बीमारियां फैल सकती थी, तो इसलिए हमने क्या करा पंपिंग स्टेशन इधर लगाया अपस्ट्रीम और ड्रेन लगाया हमने डाउनस्ट्रीम, और ये नदी के ऊपर लगा रखी हमने दोनों चीज़। यहाँ से पाइप उठाया है, यहाँ पे क्या है ड्रेन के और उसके वाटर सप्लाई के पाइप पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई पे एक लाइन कनेक्ट करी, यहाँ से पाइप उठाया और यहाँ तक हमने सप्लाई कर दी, जैसे कि पहली गली है इसमें रेजिडेंशियल वाले में इधर की साइड एक लाइन चली गई और कमर्शियल वाले में इधर की साइड एक लाइन चली गई, ठीक है, ऐसी करके। और जैसे अगर दूसरी गली हम बनाएंगे तो यहाँ से एक सप्लाई चालू कर देंगे, तीसरी बनाएंगे तो यहाँ से एक सप्लाई चालू कर देंगे, ठीक है, ऐसा हम करने वाले हैं। और यहाँ पे लाके हमने वापसी से ये ड्रेन का सीवेज को कनेक्ट कर दिया, लोग घर बनाने लग गए भाई रेजिडेंशियल जोन में। और भाई एक बात देखो यार ग्राफिक्स कितने सही हैं इसके पास से, देखो यार एकदम पेड़ भी काफ़ी सही लग रहे हैं अगर जूम करके देखो एक बात, तो भाई कमर्शियल जोन भी जब ही ग्रो करेगी जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बनेंगे, और घर जब बनेंगे जब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेंगी, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ बनेंगी तो लोग यहाँ काम काम करने आएंगे, और जब काम करने आएंगे तो घर भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम गेन में हैं, हमारा 1,096 डॉलर का 96 यूरो का खर्चा है, और जबकि 1,765
यूरो का इनकम है, ठीक है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना पसंद कर रहे हैं अपने शहर में, और हमें कुछ फैसिलिटीज अभी हमें प्रोवाइड करानी होंगी एक्स्ट्रा, जो कि हमारी अनलॉक हुई है। हाँ, गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी अभी हमें मिली है, और हमें इसके लिए एक लैंडफिल साइट बनानी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये लैंडफिल साइट जो है काफ़ी बड़े इलाके कवर कर रही है, तो इसे रेजिडेंशियल जोन के एकदम एंड में बना देते हैं, ठीक है। ये वाला इलाका वैसे भी ज़्यादा महंगे दाम पे नहीं बिकने वाला, तो यहीं सही रहेगी ये लैंडफिल साइट, ठीक है भाई। अभी हमें बनाना है मेडिकल क्लिनिक लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी देने के लिए, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा जरूरत पड़ती है हेल्थ फैसिलिटी की। तो अब मुझे स्कूल बनाना है, तो स्कूल में तो भाई इंडस्ट्री से तो कोई जाने का नहीं है ना, तो ये यहीं से जाएंगे रेजिडेंशियल जोन से ही। और अभी हमारा एक बड़ा सा गांव भी बन चुका है, ठीक है, छोटे से गांव से शुरू करा था जस्ट दे पहले, अभी बड़े से गांव पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे। एक बार बस स्कूल बना दूँ, फिर क्या कहते हैं कुछ और बनाएंगे। अब भाई हमें क्या है, ज़िला बनाना है, डिस्ट्रिक्ट। तो उससे क्या है भाई, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी ना वो स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगी। तो भाई अभी अपने शहर में क्राइम बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस टाइम हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, करीब करीब $2,000 ही हैं, वो भी अब हुए हैं, ठीक है, इससे पहले और भी कम थे। तो हमने क्या करा भाई, सारे बजट घटा दिए खर्चा एकदम, और जो मतलब टैक्स है वो तो नहीं बढ़ाए हमने अभी के लिए, लेकिन खर्चा एकदम कम कर दिया, और थोड़ा सा झेल हुआ है क्राइम रेट है ना, ठीक है। हमारा छोटा सा कस्बा बन चुका है, टाइनी टाउन, और अभी तो भाई पुलिस स्टेशन बनवाना पड़ेगा है ना, नहीं तो गलत सीन हो जाएगा, चाहिए लोन ही लेना पड़ेगा कहीं से। ये भाई पुलिस स्टेशन बनवा दिया, अब कोई कांड नहीं कर सकता इस इलाके में है ना, पर तक भाई पुलिस पूरी ध्यान रखेगी, ठीक है भाई। अभी हम पब्लिक स्कूल और लाइब्रेरीज भी बनवा सकते हैं अपने शहर में, ठीक है, टाइम के साथ साथ चीज़ें अनलॉक होती हैं। और यहाँ पे भाई पानी का काल आ गया, कोई नहीं, हम पानी का बजट बढ़ा देते हैं, फायर डिपार्टमेंट भी लगवा देते हैं ना, भाई कहीं आग वाग ना लग जाए। अभी सारा कुछ सही है, मैं कहता हूँ भाई एक और कोल प्लांट बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है, एक और सड़क, उस पर एक और कोल प्लांट, या फिर यहाँ पे शायद किसी ने भी घर नहीं बनाया ज़्यादा है ना, किला का खाली सा है, यहाँ बनाता हूँ एक कोल प्लांट, ठीक है। तो भाई लोग अभी कुछ ऐसा दिख रहा है अपना शहर, ठीक है, ओ भाई नाइस, ओहो भाई काफ़ी सही लग रहा है, ये अपना कोल प्लांट, ये लैंडफिल, यहाँ पे दूसरा वाला कोल प्लांट। और अगर तुम्हें भाई मैं कमर्शियल एरिया दिखाऊं, जो कि सड़क के एकदम बाजू है, तो ये रही भाई सारी दुकान वकान, और पुलिस भी घूम रही है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट सब पूरा सही से काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे अपना। ये देखो पीछे वाली रोड इतनी सी हो भाई, ये रोड इतनी चौड़ी, 4 लेन की रोड है ये, तो यहाँ पे आराम से सब लोग आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने की। और यहाँ पे पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल जोन, भाई ग्राफिक्स भी काफ़ी सही हैं गेम के, जैसे ऊपर से देखो तो इतना पता नहीं लगता कि इतने अच्छे होंगे ग्राफिक्स, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। और ऊपर से देखें तो शहर कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी यहीं तक बसावट हुई है, ठीक है, कमर्शियल जोन काफ़ी आगे तक एक्सपेंड करेगी, लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी यहीं पे हैं। अभी सारा कुछ सही चल रहा है शहर में, तो मैं कहता हूँ टैक्स बढ़ा देता हूँ अभी, ठीक है भाई, जब सब सही चल रहा हो ना एकदम बेहतरीन, तो टैक्स बढ़ा दो, ठीक है, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई उस टाइम टैक्स बढ़ाया तो लोग भाई दंगा वंगा कर देंगे, सरकार गिरा देंगे अपनी। अभी हमने भाई कुछ लॉज लगाए हैं यहाँ पे अपने इलाके में, क्योंकि लॉज बनाने की भी पावर हमारे पास आ चुकी है। तो एक तो हमने बिजली के मीटर इंस्टॉल करवाए हैं, अभी तक भाई फ्री बिजली चलाए थे सब लोग, ठीक है, और क्या कहते हैं हमने पानी के भी मीटर लगवा दिए, पानी भी अभी तक सबका फ्री चल रहा था। और लोगों को होटल वोटल बनाने के लिए भी हम एनकरेज कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे थोड़ी सी इनकम बढ़े, वो थोड़ा सा सही सीन हो। इस इलाके में तो पूरे बसावट हो ही रही है, यहाँ पे क्या कहते हैं शमशान बन रखा है, तो यहाँ पे ये इलाके में थोड़ी सी सड़क गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे सड़क ऐसे सीधी ले जा रहा था मैं, ये भाई जा ही नहीं थी इसके सामने से, तो ये ऐसे मोड़ के ऐसे ले जानी पड़ी, यहाँ पे इस सड़क को ऐसे कनेक्ट करना पड़ा, और ये वाली फिर जब सीधी गई है ना, तो ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी। और बाकी सारी सड़क ऐसी जा रही है पैरेलल, और हमने और सड़क बना दी, अभी तक यहीं तक लोग रहते थे इस इलाके तक ही, और हमने यहाँ तक सारे में सड़क बना दी है, जिससे कि यहाँ भी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए और यहाँ पे लोग रहना शुरू कर दें, ठीक है भाई। अपना लेवल अप हो चुका है, बिजी टाउन बन गया है हमारा, और इसके बाद देखते हैं क्या क्या लेवल है। इसके बाद है भाई बिग टाउन, उसके बाद में स्मॉल सिटी, उसके बाद है बिग सिटी, उसके बाद है ग्रैंड सिटी, उसके बाद है कैपिटल सिटी, और उसके बाद है कोलोसल सिटी, फिर है मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस। ओ तो भाई अगर 65,000 लोग हमारे शहर में रहना शुरू कर देते हैं तो मेगापोलिस बन जाएंगे,
सकते हैं हमारा जो धंधा है सरकार का वो घाटे में जा रहा है, ठीक है। तो केंद्र से तो यहाँ पे सहायता मिलती नहीं, तो हमें अपनी सहायता अपने आप ही करनी पड़ेगी टैक्स वैक्स बढ़ा के, ठीक है भाई। तो हमने 2-2% टैक्स बढ़ा दिया है पूरे इलाके में, और अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस एक्स्ट्रा 2% टैक्स से, 14% टैक्स कर दिया हमने, ठीक है। और देखते हैं कोई पैसा कमाने का तरीका हो, मीटर वीटर इंस्टॉल कर सकें हम किसी चीज़ पे, लोगों के चलने पे, बस पे, किस चीज़ पे, है ना, तो सही रहेगा। तो एक ऑप्शन है हमारे पास फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो वो तो हम नहीं करने वाले क्योंकि भाई फ्री कुछ नहीं है, ठीक है, सबके लिए पैसा लगेगा। हम दिल्ली सरकार नहीं है, हम पता नहीं कौन सी सरकार है, लेकिन दिल्ली सरकार तो नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। तो अभी हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सारी सड़कें बना दी हैं, और इन सड़कों पे हमने बनाई है भाई इंडस्ट्रीज़, और ये भाई सारी की सारी 4 लेन रोड्स हैं भाई, मतलब 2 लेन इधर से जूम जाने की और 2 लेन उधर से जूम आने की, ठीक है भाई लोग। तो अभी जैसे कि हमारे पास नई जोन्स आ गई थी, तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे ये पूरा इलाका ऑफिस जोन का बना दिया, ऑफिस बनेंगे यहाँ पे, ज़्यादा पैसा आएगा उनसे, ज़्यादा टैक्स आता है। एक तो उनकी टैक्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, इनकी भाई 14% तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का टैक्स है, 13% इसका रेजिडेंशियल का टैक्स है मैक्स टू मैक्स, लेकिन उसमें क्या है भाई आराम से काफ़ी अच्छा 20-25% तक टैक्स चला जाता है कई बार। तो ये चीज़ सही है, धीरे धीरे करके मतलब हमें टैक्स बढ़ाना होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा फुल है ना, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है उसमें। और भाई एक वहाँ पे डेंसिटी भी लोगों की ज़्यादा होती है, तो हमें क्या है ज़्यादा चांसेस होते हैं टैक्स मिलने के। मतलब जैसे मैं तुम्हें बताऊँ कि ये यहाँ पे लो डेंसिटी रेजिडेंशियल है, तो यहाँ पे क्या है लोग छोटे छोटे घर बना के रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है भाई हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल में लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना के रहेंगे, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमें टैक्स भी उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए अब अपनी काफ़ी अच्छी खासी कमाई होने वाली है, और यहाँ पे हमें कुछ हाई स्कूल वगैरह बनाने पड़ेंगे अब लोगों के लिए, ठीक है, हाई लेवल की फैसिलिटी करनी पड़ेगी जिससे कि लोग यहाँ पे रहना पसंद करें, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमने क्या कहते हैं कुछ और नई चीज़ें ऐड करी अपने शहर में, जैसे कि एजुकेशन बूस्ट, जिससे क्या है एजुकेशनल रिफॉर्म आएंगे और लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना, ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स निकलेंगे हमारे शहर से। और साथ में है इंडस्ट्री 4.0, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हम अपने यहाँ ले आए हैं, और साथ ही साथ में हमने अपने टोल्स को ऑटोमेट भी कर दिया है फास्टैग के साथ। अभी हमने टोल बनाए नहीं है अपने शहर में, लेकिन अभी हम बनाने वाले हैं काफ़ी सारे टोल्स। साथ ही साथ हमने लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया का टैक्स भी बढ़ा दिया 2%, तो भाई अभी हमने काफ़ी तगड़ा वाला लोन उठा लिया है, और अभी हम इसका यूज़ करके बनवाने वाले हैं हॉस्पिटल, और भाई हॉस्पिटल बनाते हैं थोड़ा सा इधर को जो कि पूरे शहर के काम आ सके, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमने अपने शहर का एक बड़ा इलाका हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन में बदल दिया है, ठीक है, ये यहाँ तक था पहले हाई डेंसिटी वाला रेजिडेंशियल जोन, अब यहाँ तक हो गया भाई पूरा, और अब यहाँ भी हो जाएगा जो बचे हुए इलाके में है वहाँ भी हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन हो जाएगा। अभी अपनी गवर्नमेंट थोड़े से लॉस में चल रही है, थोड़े से नहीं काफ़ी अच्छे खासे लॉस में चल रही है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पूरे इलाके को, यहाँ पे ये इलाका पूरा खाली हो गया, यहाँ पे अब हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन्स बनेगी, लेकिन कब बनेगी पता नहीं, ठीक है भाई लोग। तो अभी अपनी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हमें बेल आउट पैकेज लेना पड़ा है, और मैं सही बता रहा हूँ बड़ा नुकसान में चला गया अपना शहर इस टाइम, ठीक है, लोग भाई घर छोड़ छोड़ के भाग गए क्योंकि यहाँ पे कुछ ही फैसिलिटी ढंग से काम नहीं कर रही थी। और अभी अपने ऊपर 1,94,000 यूरो का कर्ज है, मैं क्या करने वाला हूँ अभी सारे के सारे खर्चे एकदम ज़ीरो और टैक्स करता हूँ 100% मैक्सिमम, तो इससे क्या है मेरे पास कुछ अमाउंट में टैक्स आ जाएगा, फिर लोग घर छोड़ के भागना शुरू करेंगे क्योंकि भाई फैसिलिटी कुछ रहेगी नहीं, टैक्स एकदम मैक्सिमम रहेगा, है ना, लेकिन उस टाइम पे मैं इतने पैसे कमा लूँगा कि मैं बेल आउट से बाहर आ जाऊँ और फिर से अपने शहर को रीबिल्ड करना शुरू करेंगे। फैसिलिटीज़ हमने काफ़ी सारी लगाई रखी हैं यहाँ पे, बस हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे लोग आने शुरू करेंगे भाई, हम फिर डेब्ट की तरफ चलने लग गए, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम हो नहीं पा रही इतनी, अब बेल आउट भी नहीं रिकवर होने वाला क्योंकि भाई सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए प्रॉपर्टी यहाँ पे, ठीक है, अबंडन हो गई है सारी प्रॉपर्टी, तो भाई तकड़ा वाला डेप्ट हो गया है और बेल आउट से भी काम नहीं चलने वाला अभी, तो भाई बस ख़त्म है ये शहर, और मैंने पता नहीं क्या कर दिया, अच्छा खासा चलता हुआ सब भाई गड़बड़ हो गई है। तो यार ये एजुकेशन वाली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, है कि मतलब एजुकेटेड वर्कर नहीं मिलते और भाई ये मतलब अपग्रेड नहीं हो पाता सिटी, तो इसका कुछ देखना पड़ेगा जुगाड़ कैसे होता है, जो कि हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है मतलब ये सीरीज पसंद आती है तो भाई लोग आज वाली वीडियो बस इतना ही, अगर तुम्हें मजा आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अगर तुम्हें भाई GTA 5 की चाहिए अगली वीडियो तो GTA 5 कमेंट कर देना, और अगर इस गेम की चाहिए तो सिटी स्काईलाइन है इसका नाम, इसे कमेंट कर देना, ठीक है, जो तुम कहोगे भाई वो वीडियो आएगी, है ना। मुझे लगा था कि GTA 5 इतना भी अच्छा नहीं कर पा रही जैसा उसे करना चाहिए था,
और तुम लोग शायद हो सकता है बोर बोर हो गए हो GTA 5 देख देख के, तो इस गेम की वीडियो आ गई इस हफ्ते। लेकिन अगर तुम कहोगे तो GTA 5 अगले हफ्ते पक्का आएगी, ऐसी कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है GTA 5 के साथ, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।